अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि हम एक कप दूध के इस्तेमाल से बनाएंगे और ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और यमी बनेगी। तो फिर चलिए हम वेनिला आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर बर्तन रख लेंगे और उसमें ये दूध डाल देंगे। ये एक कप दूध मैंने लिया है, तो इसे हम डाल देंगे बर्तन में। और ये थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे, वो किस लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद हम इस दूध में चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने आधे कप से भी कम ली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कम ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब इस दूध को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। दूध में जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है ये, इसे हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो ये जो दूध हमने बचा लिया था इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल है वो रेडी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो दूध है उसमें उबाल आया है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हमने जो ये कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे हम लो फ्लेम पर ही गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, अब ये जो दूध है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूध और कॉर्नफ्लावर का घोल अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम ये क्रीम लेंगे। ये एक कप क्रीम है, ग्राम में अगर देखा जाए तो ये क्रीम जो है वो 250 ग्राम है। आप ये कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। तो इस क्रीम में हमने जो दूध और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया है उसे हम ऐड करेंगे। याद रहे, जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको क्रीम में ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें ये 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और फिर हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से इसे बीट कर लें, या फिर अगर नहीं है तो आप इसे इस विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। इससे बीट करने में आपको बस थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, तो आपको 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बीट करना होगा। या फिर अगर आपके पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर है तो आप इसकी मदद से भी क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। तो हम क्रीम को 10 मिनट तक बीट करेंगे ताकि क्रीम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो अब हम एक कंटेनर लेंगे, एयरटाइट कंटेनर, और ये जो सारा मिक्सचर है आइसक्रीम का उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा आइसक्रीम का मिक्सचर हमने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब हम इस कंटेनर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखकर इसे ठंडा कर लेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे बाद हम इसे फ्रिज से निकालकर दोबारा बीट करेंगे। इससे ये होगा, हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ बनेगी, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। आइसक्रीम में जो बर्फ़ जम जाती है इसे हमें दोबारा बीट करने से वो नहीं होगा, ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनेगी, बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। तो इसे हमने बीट कर लिया है, इसे हम रख देंगे वापस से फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए। तो 8 घंटे बाद देखिए, हमारी ठंडी ठंडी क्रीमी वेनिला आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो अब ये अच्छी तरह से जम चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं एक आइसक्रीम बॉल में। तो इसे निकालने के लिए हम ये स्कूपर लेंगे। इसे हम पहले नीम गर्म पानी में रखेंगे ताकि इसमें से आइसक्रीम अच्छे से निकल आए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रीमी ये आइसक्रीम बनी है। तो देखिए, मैंने ये आइसक्रीम बॉल में निकाल ली है। अगर आपको पसंद हो तो आप इस पर थोड़ी सी ये चॉकलेट डाल सकते हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। तो लीजिए, तैयार है हमारी ठंडी ठंडी क्रीमी वेनिला आइसक्रीम। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।